हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कोरोला के बारे में। तो कोरोला इज कंपोज ऑफ पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटेड कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो कोरोला की जो यूनिट होती है उसे पेटल्स कहते हैं। पेटल्स ब्राइट कलर के होते हैं जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और उनसे पॉलिनेशन हो पाता है। लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो बी गैमोपेटलस विच मीन्स पेटल यूनाइटेड और पॉलीपेटलस विच मीन्स पेटल्स फ्री। जैसे कैलिक्स में था कि गैमोसेपलस होते हैं, जैसे ये लिखा है गैमोसेपलस, इसका मतलब था कि ये सेपल्स होते हैं, फ्यूज्ड हैं, और पॉली सेपल्स मतलब सेपल्स फ्री हैं। ऐसे ही कोरोला में पॉली पेटल्स होते हैं जिसका मतलब पेटल्स फ्री रहते हैं, और गैमो पेटल्स यानि पेटल्स फ्यूज्ड रहते हैं। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। कोरोला में भी ट्यूबलर, ट्यूबलर शेप्ड, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। तो कोरोला ट्यूबलर शेप्ड का भी हो सकता है, बेल शेप्ड का भी, फनल शेप्ड का भी और व्हील शेप्ड का भी। और कोरोला को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है कैपिटल सी। और ये मस्टर में पाया जाता है विच फॉर्म क्रूसीफॉर्म कोरोला, क्रूसीफॉर्म कोरोला जो किसमें पाया जाता है, मस्टर्ड, मस्टर्ड में पाया जाता है ये क्रूसीफॉर्म कोरोला जो एक्स शेप्ड का होता है। तो हम कोरोला के बारे में लिखेंगे, तो हेडिंग डालेंगे कोरोला, फर्स्ट पॉइंट, जनरली कलरफुल एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन पेटल्स आर फ्यूज्ड इट इज सेड टू बी गैमोपेटलस। व्हेन पेटल्स आर फ्री इट इज सेड टू बी पॉलीपेटलस। नेक्स्ट पॉइंट, कोरोला में भी, नेक्स्ट लाइन से, फर्स्ट ट्यूबुलर शेप्ड, सेकंड बेल शेप्ड, थर्ड फनल शेप्ड एंड फोर्थ व्हील शेप्ड। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सी, कैपिटल सी, एंड क्रूसीफॉर्म कोरोला ब्रैकेट में एक्स शेप्ड इज प्रेजेंट इन मस्टर्ड। तो ये हमारा कोरोला अभी हुआ। अब हम इसमें पाएंगे एस्टिवेशन। तो गाइस, जैसे ये है, ये फ्लावर का डायग्राम है, इसमें ये एंड्रोसियम है, ये गाइनोसियम है, ये कोरोला है, ये कैलिक्स है और ये पेडिसेल है। जैसे यहाँ पे दिया है ये कैलिक्स, यहाँ पे ये कैलिक्स है, ये कोरोला है रेड पार्ट, ये एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम को अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं एस्टिवेशन। तो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स ऑफ पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन। तो
तो सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम होल, मतलब सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं उनका अरेंजमेंट उनके अदर मेंबर्स के साथ में रखना एस्टिवेशन कहलाता है। ये एस्टिवेशन द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी पेपलिनियस। वैक्सिलरी और पेपलिनियस, वैक्सिलरी मतलब जो फ्लावर्स के मेन पार्ट होते हैं उनमें एस्टिवेशन होता है, फोर टाइप से होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, वैक्सिलरी या पेपिलियम, पेपलियोनस कह सकते हो उसे। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ होल जस्ट टच टू अनादर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलोट्रॉपिक्स इज सेड टू बी वेलवेट एस्टिवेशन। जैसे यहाँ पे दिया है, ये फ्लावर है, ये इसका एस्टिवेशन दिया है, इसमें इसके ये टच कर रहा है जस्ट, लेकिन ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, तो इसे कहेंगे वेलवेट एस्टिवेशन। और यहाँ यहाँ पर ये ऐसे दिया है, ये ओवरलैपिंग कर रहा है, एक यहाँ से कर रहा है, इसको इसको ये ओवरलैपिंग कर रहा है, इसको ये ओवरलैपिंग, इसको ये, इसलिए इसे ट्विस्टेड कहेंगे। जैसे यहाँ आगे दिया है, इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप डेट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन चाइना रोज। उसका एग्जांपल था कैलोट्रॉपिस, इसका एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इट्स कॉल्ड ट्विस्टेड। तो अगर एक मार्जिन अपेंडेज ओवरलैप करे दूसरे को तो उसे ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं, और ये ऐसा चलता ही रहता है, मतलब इसको ये करा, इसको इसने करा, इसको इसने करा, इसको इसने, इसको इसने, फिर इसको इसने, मतलब ये ऐसा ट्विस्टेड टाइप का रहता है, इसलिए इसे ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। अब आगे देखो आगे क्या लिखा है, इफ वन मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल ओवरलैप बट वन अनादर बट नॉट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन एज इन केसिया एंड गुलमोहर, द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। तो यहाँ देखो यहाँ थर्ड वाले में क्या हो रहा है, इसको यहाँ से इसने ओवरलैप कर लिया है और इसको ये बाहर की तरफ ओवरलैप हुआ है, ये यहाँ बाहर की तरफ हुआ है, ये अंदर से है, ये वाला दोनों अंदर से हैं, इसके पॉइंट इसके दोनों बाहर से हैं, इसका एक अंदर से है, इसका एक बाहर से है, इसका बाहर से भी है, इसका अंदर से भी है, मतलब कोई पर्टिकुलर वो नहीं है इनका सीक्वेंस, तो इसलिए इसे इम्ब्रिकेट कहते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर फाइव पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द टू लेटरल पेटल्स विंग्स विच इन टर्न्स ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स कील। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी और पेपिलियोनस।
पेपे लियोनेसियस, मतलब जैसे ये वाला, इसमें 5 पेटल्स हैं, जो सबसे लार्जेस्ट वाला है उसे स्टैंडर्ड कहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड है यू, और जो ये 2 स्मॉलेस्ट हैं ये, इसे विंग्स कहते हैं, ये विंग्स हैं, जैसे ये यहाँ पे ये लार्जेस्ट वाला है, ये ऐसा गया, और ये 2 हैं ये विंग्स हैं, और ये जो 1 है, मतलब 1 नहीं ये 2 हैं, ये छोटे छोटे, इसे कील कहते हैं, एक ये है एक ये है, ये कील हुआ, जैसे यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड विंग्स और कील्स, कील ये स्टैंडर्ड विंग्स कील, दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन नोन एज वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और ये किस किस में होता है, पी एंड बी इन फ्लावर्स, और इम्ब्रिकेट होता है केसिया एंड गुलमोहर में। तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एस्टिवेशन, इन दिस राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इज नोन एज एस्टिवेशन। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे वेलवेट एस्टिवेशन, सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच वन अनादर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। सेकेंड हेडिंग ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप ऑफ द नेक्स्ट एंड सो ऑन, एग्जाम्पल चाइना रोज लेडी फिंगर एंड कॉटन। थर्ड हेडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, एग्जाम्पल केशिया एंड गुलमोहर। नेक्स्ट वैक्सिलरी और पेपिलियोनेसियस, इसमें देखेंगे टोटल 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट वन इज स्टैंडर्ड, 2 लिटल पेटल्स कॉल विंग्स, 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स कॉल कील, इसके एग्जाम्पल पी एंड बीन्स। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में एंड्रोसियम और गाइनोसियम को पढ़ेंगे। तो गाइस आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।